अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। केमिस्ट्री क्लास 9, उसका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसमें से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉज रिलेटेड टू द गैसेस, और उसमें से बॉयल्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में बार बार पूछा जाता है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बॉयल्स लॉ, और इसके आपको ये पीडीएफ नोट्स भी दूंगा, आप यहाँ से ये इसको याद कर सकती हैं, और सबसे पहले इसको आपको समझाऊँगा कि ये है क्या चीज़। लेकिन स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, तमाम सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन एंड सोल्यूशन वीडियो अपलोड हो रही हैं। मॉडल पेपर जो न्यू आए हैं बोर्ड की तरफ से, वो उनके सोल्यूशन भी में दिया जा रहा है, और आपको साथ में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये जो बॉयल्स लाए बोर्ड के पेपर में हर दफ़ा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ था पिछले दफ़ा, फिर भी ये पूछा गया था। बॉयल्स ला क्या है जी? 62 में एक साइंसदान थे रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने हमें बताया कि ये जो गैस है इसका अगर हम किसी कंटेनर के अंदर रखें तो गैस के उस जो कंटेनर है उसके सराउंडिंग का अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, यानी कि टेम्परेचर को कम या ज़्यादा ना करें, तो प्रेशर का और वॉल्यूम का आपस में क्या ताल्लुक है? यानी कि प्रेशर को बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम होता है या ज़्यादा होता है, या वॉल्यूम को कम ज़्यादा करें तो प्रेशर पर क्या इफ़ेक्ट होता है? तो ये उन्होंने एक हमें एक एक्सपेरिमेंट करके समझाई थी बात, और एक स्टेटमेंट दी थी। इस स्टेटमेंट को कहते हैं बॉयल्स लॉ। क्या कहा जी उन्होंने? उन्होंने ये कहा द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। कि जो एक कोई मास है, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 kg, 2 kg, 3 kg गैस है एक कंटेनर के अंदर, अगर हम उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, आगे ये भी बोला एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, आप पहले इस तस्वीर को समझें फिर मैं आपको मैथमेटिकली आपको समझाता हूँ। ये एक जो एक सिलेंडर है इसके अंदर कुछ भी गैस है, कोई अमाउंट सम अमाउंट ऑफ गैस है, इसका हमने ये टेम्परेचर जो है ये देखिए नीचे मोमबत्ती जल रही है, तो टेम्परेचर यहाँ पे भी 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको हम कम या ज़्यादा ना करें। इधर भी देखें, ये पहली एक तस्वीर है और दूसरी तस्वीर पे आप यहाँ पे भी 300 ही है, यानी कि टेम्परेचर को आपने कुछ भी नहीं करना, ना कम होने देना है ना ज़्यादा होने देना है। तो अगर हम इसका प्रेशर बढ़ाएं, ये अगर हम ऊपर से पिस्टन को नीचे करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर है पिस्टन, अगर हम इसको पिस्टन को नीचे लेके आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो वो कह रहे हैं जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। ये देखें वॉल्यूम इसका पहले ये ज़्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फूला हुआ है, ये वॉल्यूम है। हमने जैसे प्रेशर इसका बढ़ाया, ठीक है, प्रेशर बढ़ाया तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ? कम हुआ वॉल्यूम। यहाँ पे ये देखें प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये 1 है, और यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया। तो प्रेशर हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, ये यहाँ पर तो वॉल्यूम कम हो गया। यही मैथमेटिकली उन्होंने समझाया हमें कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। इसको अब हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द वॉल्यूम वी, वॉल्यूम क्या है? वी है ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब कम होना, विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन एक शर्त है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमने कम ज़्यादा नहीं होने देना, अगर हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करेंगे तो फिर वो प्रेशर का और वॉल्यूम का रिलेशन वो वाला नहीं रहेगा जो स्टेटमेंट में दिया जा रहा है। इसको हम रीड आउट कैसे करेंगे? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये जो होता है इसको 1/P नहीं पढ़ा जाता, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। वॉल्यूम इज इन्वर्सली, जब 1/P होता है तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शन पढ़ा जाता है, और अगर ये 1/P ना हो डायरेक्ट हो तो उसको डायरेक्टली पढ़ा जाता है। अब इसको ये कह रहे हैं कि जब हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शन को ख़त्म करते हैं तो हम एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कोई भी कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल वो के होता है, ठीक है, यहाँ पे के है, तो वी इज इक्वल टू K/P हो जाएगा। तो अब जो अब हम इसको ये आप यहाँ पे नोट्स पे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। ये देखें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। अब अगर हम इसको सिम्बोलिकली ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, यहाँ पे भी मैंने अगर डायरेक्टली बोला तो सॉरी, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, इसको हमने सिम्बल यहाँ पर लिख लिए।
अब हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शन को ख़त्म करने के लिए क्या लेके आएंगे, के। अब के ओपान वी इज इक्वल टू के ओपान पी, तो हम पी इधर इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो पी पी वी या वी पी इज इक्वल टू के है कांस्टेंट, वेयर के इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, दिस वैल्यू ऑफ के इज सेम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ अ गिवन गैस। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकली ये बात आ गई कि पी वी इज इक्वल टू के या के वी पी इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू के। अब वो कह रहे हैं जैसे सिंबल में मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ये एक ये यहाँ पे दो जो अभी तक हमने प्रेशर नहीं बढ़ाया था तो एक वॉल्यूम था और एक प्रेशर था, और जब हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो वो तो इस साइड वाले को हम वी वन कहेंगे और ये पी वन कहेंगे, और इस साइड वाले को जब हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो वी टू कहेंगे और पी टू कहेंगे। ये देखें यहाँ पे वी वन का मतलब क्या हुआ, ये जब तक हमने उसको अभी तक प्रेशर बढ़ाया नहीं है तो ये भी के बराबर है, और अगर हम बढ़ा देंगे दूसरी साइड पे तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ये पी वन वी वन भी के बराबर है और पी टू वी टू भी के बराबर है, तो इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पे उसने एक्सप्लेन भी कर दिया कि पी वन क्या इनिशियल प्रेशर है और वी वन क्या इनिशियल वॉल्यूम है, ये वाली साइड ये, और पी टू क्या है फाइनल प्रेशर है और वी टू भी क्या है फाइनल वॉल्यूम है, ये साइड वाली साइड। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, ये भी के बराबर है और ये भी के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। ये देखें ना ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर है, क्योंकि ये भी के इक्वल है ये भी के इक्वल है। तो ये रिलेशनशिप जो था इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ, दिस इक्वेशन एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर कैन बी वेल डिफाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। ये मैंने आपको फिगर ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी हुई है। अब हम इसको मैथमेटिकली भी, ये एक वर्क एग्जांपल है, इसमें आपको ज़्यादा समझ आएगी कि ये वाकई ऐसा होता है कि नहीं। ये एग्जांपल है, इसके रिलेटेड पीछे न्यूमेरिकल भी होंगे। द प्रेशर ऑफ अ सैंपल गैस इज 3 atm, ये एक उसका प्रेशर है पी है और ये उसका वॉल्यूम है। अब वो कह रहे हैं अगर हम वॉल्यूम को इफ द प्रेशर इज रिड्यूस, अगर हम प्रेशर को कम कर दें यानी कि 3 atm से 2 atm पे लेके आ जाएं तो क्या होगा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम। तो देखो अगर हम प्रेशर को कम करेंगे रिड्यूस करेंगे तो वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ बढ़ना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या बढ़ता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका डाटा बनाएंगे, ये हमारे पास पी वन है, ये वॉल्यूम वन है और ये पी वन है जो यहाँ पे गिवन है, पी टू हमारे पास ये जो कम हो गया और वी टू हमने फाइंड आउट करना है। हमने इक्वेशन क्या लिखी थी, पी वन इज इक्वल टू वी वन पी टू इज इक्वल टू वी टू, यहीं पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, हमने वी टू फाइंड आउट करना है ये वाला। तो P2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे या आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 3 15, 15 को 2 पे डिवाइड किया 7.5, तो क्या हो गया वॉल्यूम बढ़ा के कम होगा। देखें यहाँ पे वॉल्यूम पहले कितना था 5 लीटर था, अब कितना हो गया 7.5। तो ये साबित हो गया कि वॉल्यूम बढ़ता है जब प्रेशर कम हो, प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ गया। अगले क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया हुआ है, ये एक हमें गिवन है वॉल्यूम, द 700 सेंटीमीटर ऑफ अ गैस इज इनक्लोज इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ 650 मिलीमीटर ऑफ HG। इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस, यहाँ पे वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, यहाँ से 700 से कम करके 350 पे ले रहे हैं, तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा। तो देखें जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर हमारा बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं कि ऐसा होता भी है कि नहीं। वॉल्यूम है हमारा, ये पहला वॉल्यूम है और ये हमारे पास प्रेशर है जो हमें गिवन है, ये वाला ये प्रेशर है, और वी टू भी हमारे पास ये है जो हमने कम हुआ, तो पी टू हमने फाइंड आउट करना है। इक्वेशन वही है, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, और पी टू हमने फाइंड आउट करना है, वी टू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इनके वैल्यू पुट करेंगे तो पी वन वी वन पी वन हमारे पास था ये 650 मल्टीप्लाई बाई 700 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 350, तो कितना निकल आया 1300 मिलीमीटर। तो 1300 मिलीमीटर पहले कितना था हमारे पास 650 मिलीमीटर था, तो उससे ये डबल हो गया, तो क्योंकि तकरीबन वो जो हमारा वॉल्यूम भी था वो भी डबल हो गया था, तो ये भी क्या हो गया डबल हो गया। दस प्रेशर इज इंक्रीज बाई डिक्रीजिंग वॉल्यूम। तो ये प्रूव हो गया कि जो बॉयल्स लॉ है उसकी स्टेटमेंट करेक्ट है।
या आपके दो न्यूमेरिकल भी हो गए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चार्ल्स लॉ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।